सो द थिंग इज़ कि ये हमको एक मिल गया है बड़ा सा हिनोक यहाँ पे. मैं कह रहा था आसान होने वाला है, तो ये नहीं यार, वैसे ही वो मारने वाला है पटक पटक के अंधेरे में गायब. ये तो यार वो कैसे हो, उम्मीद है लॉकडाउन पे मौज कर रहे होगे और मौसम के मज़े ले रहे होगे, भुट्टे खा रहे होगे, पकोड़े खा रहे होगे बढ़िया सॉस लगा के. आज हम आ गए वापस निंटेंडो वाला भाई के चैनल पे, जहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं द लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड का 100% वॉक थ्रू. और एग्जैक्टली हम लोग के ठीक सामने हैं ये टाइफ्लो रूइंस, जिनकी एक खासियत है गाइस कि ये एब्सोल्यूट डार्क में रहते हैं. यहाँ अंदर ये खुला जंगल है एक्चुअली, लेकिन एब्सोल्यूट डार्क के अंदर है, तो ऐसा लगेगा आप किसी बहुत ही भयंकर से केव या उसमें आ गए हो, डंजन में, जबकि ऐसा नहीं है. ट्रैवलर फ्रॉम बियॉन्ड दीज वुड्स, यू आर नाउ फेस्ड विद अ ट्रायल, फाइंड द श्राइन एंड हिडन इन दीज डार्क रूइंस. एग्जैक्टली, तो हमारा काम है यहाँ पे एक बहुत ही छुपी हुई ढकी हुई सी श्राइन को पकड़ के और उसको ढूंढना. और ये फायर रॉड हम गिरा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है. आई थिंक एक टॉर्च की ज़रूरत हमको ज़्यादा है. सो लेट्स सी, अरे कहाँ गिरे जा रहा है बेटा. तो लेट्स सी कि हम इस टॉर्च को जला पाते हैं कि नहीं. जला ली हम लोग ने टॉर्च, और इसी तरीके से चलते फिरते हम लोग को जो है मिल जाएगी यहाँ पे श्राइन, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. और फायर प्लेस इस तरह से जितनी मिलती हैं उनको हमको जलाते चलना है, क्योंकि रास्ता यहाँ भटकना गाइस बहुत आसान है. ये जो टॉर्च है हमारे हाथ में, यही हमारा एकमात्र जो है कि सहारा है इस स्टेज को, इस रूइन को क्रॉस करने का, पार करने का. कोई आई डोंट हैव एनी जनरल डायरेक्शन कि वहाँ पे मुझको चल के जाना चाहिए. आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ जस्ट आई एम गोइंग टू फॉलो दिस फायर प्लेसेस. अगर ये फायर प्लेसेस यहाँ हैं तो डेफिनेटली कि मैं सही जा रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. जैसा कि पीछे रहा था उस वाले हायरूल फॉरेस्ट में भी हम लोग को सिर्फ फायर प्लेसेस ही ढूंढ ढूंढ के और उसमें वो डालने थे. और आई थिंक जहाँ अगर एनिमल्स भी हैं बहुत सारे, तो फिर उसको भी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सही ही जा रहे होंगे, तभी इतने सारे ऐसे एनिमल्स से आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा जनरल डायरेक्शन तो नहीं है. हाँ, इन्होंने जो है कि नीचे मिनी मैप हमारा जो है ऑन रखा है, विच आई एम ग्लैड दे डिड दैट, क्योंकि काफ़ी हेल्प उससे फिर भी हो जाती है. बिकॉज काइंड ऑफ आपके पास एक वो रहता है कि आप किस तरफ जा रहे हो, सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. ये मैंने कुछ गलत कर दिया आई थिंक. एक एम्बर के लिए मैंने अपना जो एकमात्र सहारा था मेरे पास उसको मैंने हटा दिया. खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो है कि वापस एक फायर प्लेस पास में ही है, तो फिर वापस मिल गई हमें टॉर्च और एम्बर भी मिल गया. सो इट्स ओके. अरे यार ये लोग ऐसे ही ये लोग ज़बरदस्ती खेल रहे हैं मेरे साथ. मुझे नहीं खेलना भाई तुम्हारे साथ, फिर भी ज़बरदस्ती खेल रहा चमगादड़ ये. ऑब्वियसली अंधेरे में है, कुछ तो उत्पात मचाएंगे. तो ओह ये वाला, अब ये कहाँ से कैसे जाना है. ओके आई हैव समथिंग एल्स. टॉर्च अगर चली जाती है तो ऐसे ही जो है मौक़ों के लिए मैंने ये भी रखा हुआ है अपने पास. ये काफ़ी जो है मल्टी एलिमेंट स्वॉर्ड, जो एलिमेंट वेपन्स हैं, ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होते हैं बेसिकली. और लेकिन स्टिल मल्टी टैलेंटेड हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन कहाँ जाना है मुझको नहीं बता पा रहा ये स्वॉर्ड ना, बिकॉज कि यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं है. और आई एम ऑल अलोन लबी, तो बिल्कुल कुछ नहीं पता कि किस तरफ जाना है, बस चढ़ रहे हैं किसी पे. ओके ओके ओके, आई थिंक आई एम ऑन द राइट वे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है कि राक्षस आ गया है सामने, और वो एक टॉर्च, वो फायर प्लेस भी है, तो पहले तो वहाँ जाते हैं अपनी टॉर्च को जलाते हैं पहले. तो ये रही टॉर्च हमारी, इसको जो है जला लिया है हमने. और यहाँ पे आग लगाने से कुछ नहीं होगा. ओके सो द थिंग इज़ कि ये हमको एक मिल गया है बड़ा सा हिनोक यहाँ पे. मैं कह रहा था आसान होने वाला है, तो ये नहीं यार, वैसे ही वो मारने वाला है पटक पटक के अंधेरे में गाइस. ये हिनोक्स वगैरह को मारना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है. लेट्स सी, पहले तो गेम मैं यहाँ पे सेव कर देना चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है. इसके एक फटके में हम लोग निपट जाएंगे. एंड दी वेपन आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ दिस. मेरे पास जो बेस्ट वेपन है 60 पावर का, ये लोग नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी जान खा के रहेंगे. ओके सो हियर इट गोस. ऑलराइट ओके, आई थिंक आई कैन डू अवे विद हाफ ऑफ इट्स हेल्थ सिर्फ इसी से. अभी भागना पड़ेगा, ओके एग्जैक्टली हाफ. ऑलराइट,
सो आई हैव हाफ ऑफ माई हेल्थ, उसकी आधी हेल्थ जो है हम लोग ने ख़त्म कर दी है, और वो पता नहीं कहाँ है। मैं तो यहाँ हूँ, मैं भाग रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, मेरे पीछे मेरे आगे कहीं भी हो सकता है। उसके लिए जल्दी से टॉर्च जला लेते हैं सो दैट आई नो वेयर ही इज़। ये रहा एरो है मेरे पास, एरो, जी हाँ एरो है, ये वाला एरो है मेरे पास। ओके इसकी आँख में मारते हैं, आँख में एक आँख में पड़ गया तो मेरा काम हो जाएगा, हो गया ना। ओके 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 डाउन। ओह शिट, मैं टॉर्च से वो बदलना भूल गया और वो अब खड़ा हो रहा है। जल्दी से एक दो मार के और भागेंगे, भागे भाग 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 भाग। अच्छा है कि इन्होंने बहुत सारे फायर प्लेसेस दे रखे हैं, तो फायर प्लेसेस से मैं जो है बार बार अपना टॉर्च जला के और इसको देख सकता हूँ कि ये कहाँ है एग्जैक्टली। आई थिंक इस बार एक और बार अगर आँख पे लग जाए और ये स्टन हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ओ इट्स डेड, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था, ईजी पीजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलेक्ट कर लेते हैं जो भी हम अपन को मिल रहा है यहाँ पे, रोस्टेड बेस और पता नहीं क्या। ब्लू शेल एक्सकार गॉट, ओके। द शेल ऑफ दिस हॉटी ब्लू शेल स्नेल एक्टेड एज अ टाइनी स्लो कुकर एज इट वॉज रोस्टेड। सम पीपल लव द ट्रेडमार्क बिटरनेस ऑफ इट्स टेल मीट। आई कैन नॉट रिलेट विद ऑल दिस गाय, सॉरी। मुझे नहीं समझ में आता ये टेल मीट वगैरह की बिटरनेस कैसे अच्छी लगती है। वट एवर, नाइट्स ब्रॉड स्वॉर्ड आई थिंक कि अच्छी रहेगी, बट आई डू नीड द टॉर्च। नो टॉर्च तो चाहिए, पर चलो एक बार गिरा के देखते हैं, टॉर्च को भी गिरा के देखते हैं। और नाइट्स ब्रॉड स्वॉर्ड 26 है, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, नहीं वो गिराना चाहिए था। 26 तो हम लोग को आराम से मिल ही जाएगी, बट द थिंग इज़ कि वैसे ही इसको उठाने के लिए हमको अपनी जो है ब्रॉड स्वॉर्ड तो गिरानी ही पड़ेगी। अब इसको लेके कहाँ जाना है, अपनी टॉर्च तो गिरानी पड़ेगी, सॉरी। अब इसको लेके जाना है आई थिंक हम लोग को थोड़ा राइट की तरफ, सो ये आई थिंक रास्ता होना चाहिए। आई एम गोइंग, यस आई एम गोइंग द राइट वे। अभी यहीं पे वो रहा सामने पेडेस्टल जहाँ पे हमको ये ऑर्ब को गिराना है। एंड एज सून एज वी डू दैट, यहाँ पे एक जो है कि पूरी बड़ी सी श्राइन जो है हमारे सामने डिस्क्लोज हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अरे वो हो रहा था और ऑर्ब उठा ली। Here we go. जिन भाइयों के पास अभी तक निंटेंडो स्विच नहीं है, मैं बता दूं ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना मेरा रिमोट इस समय, विच मतलब गिव्स जस्ट अ होल एंड अदर फीलिंग। और मैंने इनके बारे में ये भी पढ़ा था कि नॉट जस्ट वाइब्रेशन लाइक दिस, वो लोग छोटे छोटे यू नो वाइब्रेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। इवन लाइक इफ यू, अगर आप एक फूल भी अपने हाथ में उठा रहे हो, जैसे काफ़ी आइटम्स उठाता है लिंक अपने हाथ में, सो अगर आप एक फूल भी अपने हाथ में उठा रहे हो, सो दैट वुड हैव अ होल एंड अदर वाइब्रेशन विच वी कुड फील। केटो वाई वाई श्राइन, तो वो भी हम लोग जो है उसमें फील कर पाते कि एक फूल का सेंसेशन क्या है हमारे हाथ में। रिमोट उस तरीके से वाइब्रेट करता, सो लाइक विंड अगर चल रही है तो उस तरीके से वाइब्रेट करता। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ये कुछ सोच रहे थे। ऑल दो दे कुडंट गेट द रेटिंग्स, आई थिंक उसका कुछ लीगल कुछ लफड़ा पड़ा था तो वो उनको नहीं मिल पाया था उस वक्त, बट डेफिनेटली इट्स ऑन देयर प्लान्स। आई थिंक जो नेक्स्ट अगर कोई वो आता है अपग्रेड निंटेंडो स्विच का, तो उसमें वो उसको लागू करेंगे। ऑब्वियसली नॉट दिस वन, ऑब्वियसली नॉट द निंटेंडो स्विच ओलेड मॉडल। क्या निकाला है भाई इन्होंने, कौन क्या मतलब कौन था इसके पीछे, कौन सोच रहा था कि खाली जो अभी निंटेंडो स्विच है बस उसी की स्क्रीन बड़ी कर देंगे एंड दैट्स इट। स्क्रीन भी नहीं बड़ी करेंगे एक्चुअली, व्हाट दे डिड वाज कि बेजल्स कम कर दिए हैं, तो स्क्रीन ऑब्वियसली जो है कोई खुद से बड़ी हो जाएगी, हो जाती है। सो दैट्स व्हाट दे डिड, दैट्स इट। तो मतलब उन्होंने खाली जो है बेजल्स कम किए हैं, बाकी इस रिमोट्स में या फंक्शनिंग में कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ थोड़ा सा जो है कि HD आपको दिखेगा और क्लियरर जो है उसका विजन हो जाएगा। OLED मॉडल है ऑब्वियसली, OLED का एक अलग ही विजन होता है, सो दैट इज़ देयर। बट समवन लाइक मी उसको जनरली अपने PC पे या लैपटॉप पे खेल रहा होता है, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल दैट वे। ऑलराइट गाइस, तो हम आ गए बाहर अब, और हमें मैंने स्किप कर दिया पूरा पार्ट बाहर निकलने का, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं बेकार में। ऑलरेडी हम लोग ने वो कवर कर लिया था अच्छे से,
ये ज़रूर निकल के आएंगे यार, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। सो एनीवेज, अभी हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है वो है हमारे डिवाइन बीस तक पहुंचना, और उस तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली जो हमें करना पड़ेगा वो है उस रीजन तक पहुंचना और रीजन के टावर को एक्सप्लोर करना, एक्सेस करना, सो दैट वी यू नो हैव द राइट रीजन, राइट मैप टू गो टूवर्ड्स टू। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। एक्चुअली व्हाट आई रियली वांट टू डू इज़ गो देयर फर्स्ट, बट आई डोंट थिंक कि उतनी ऊंचाई हम लोग कवर कर पाएंगे। सो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर हम लोग धीमे धीमे उतरते हैं नीचे, और आई थिंक इवन दिस अगर बहुत लंबा जाता है तो मैं आपके लिए बढ़ा दूंगा इसको, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, यू वोंट हैव टू सिट यू नो थ्रू द होल थिंग हियर। ये कुछ यार कुछ इंटरेस्टिंग सा लग तो रहा है, बट आई डोंट नो हाउ टू, कुछ मैग्नेसिस हो सकता है इस पर, नहीं हो सकता है। ओके सो इट्स, हाँ ठीक है, तो ये बस डिज़ाइन है उस रूइन की, जिस रूइन से हम लोग निकल के आए हैं वो अंदर का पार्ट बिल्कुल ही डार्क रहता होगा और यहाँ का उतना डार्क नहीं होगा। That's it. I don't think ki there's anything else to it. Why cannot I shield down to it? I thought ki main shield down kar dunga yahan se. Acha, barish mein ye fire rod chalti hai kya? Haan, chalti to hai. Usko lag bhi gayi fuck. Wolf ko bechare ko. Abhi tak dhua nikal raha hai uspe. Hai Ram. Bechara. निपट गई मेरी फायर रॉड, काम ख़त्म हुआ। सो देयर यू गाइज हैव दिस यून बीस्ट, कहाँ गया ये रहा, पर इससे हम लोग बहुत दूर रहने वाले हैं, बिल्कुल भी इसके पास नहीं जाने वाले हैं। हमारा मोटिव है इस तरफ आने का, स्ट्रेट इन दिस डायरेक्शन हम लोग जो है बढ़ते जाएंगे। ऑल दो आई कैन नॉट क्लाइम दिस माउंटेन एज ऑफ नाउ, तो जाना तो आई थिंक पड़ेगा इसके पास से ही हमको धीमे से, सो दैट उसके जो है कि सामने ना पड़े हम लोग, और चुपचाप से बगल से निकल जाएंगे। ओ हो हो, क्वेश्चन मार्क तो आ गया है गाइस, क्वेश्चन मार्क तो आ गया है गाइस, बट उसने इग्नोर कर दिया और वो आगे बढ़ गया है। क्या तुच्छा गेम खेल रहा हूँ भाई मैं, क्या तुच्छा गेम खेल रहा हूँ। लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले, और क्या भागते हैं और क्या हराते हैं, क्या मारते हैं। मैं अभी 4 दिन लेके घूम रहा हूँ हायरुल रीजन में, चुपचाप से जो है इन लोग से बचते बचाते भाग कर निकल के जा रहे हैं। वॉट वॉज डैट, जल्दी से पहले तो जल्दी से कुछ खाओ, यहाँ गेम्स वो नहीं कर सकते हम, और जल्दी से फिर सेव भी कर लेंगे। लेना ही नहीं है रिस्क, ये सब रिस्क लेना ही नहीं है भाई। रोस्टेड कार्ब खा लिया जाए, ये भी तो रोस्ट, अच्छा रोस्टेड बेस है। ओके अदर थिंग, एक सेब खा लेते हैं तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा अपना। ये रहा सेब आधा, ओके सो सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये पीछे से कौन सा तीर मेरे को बजा दें और क्या हो जाए कुछ अभी पता नहीं। वैसे ही बारिश हो रही है, चढ़ पा नहीं रहे हैं। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाने से जो है हमें एक मोमेंटम मिलता है ऑब्वियसली, विच यू नो एक एल्टीट्यूड मिलता है। एल्टीट्यूड से हम लोग जो है अगर अपना पैराग्लाइडर लेके जंप करते हैं सो वी कैन कवर बेटर डिस्टेंसेस। तो बेटर डिस्टेंसेस कवर करके ही हम लोग वहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि डिवाइन बीस्ट बिल्कुल भी आसपास नहीं है हमारे, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर जाना है उसके लिए हमें, और स्टैमिना हमारे पास अभी पूरा नहीं है सबसे बड़ी बात। तो जैसे ही कोई गॉडेस मिलती है अपना स्टैमिना बढ़ाना है। वी हैव 8 ऑर्ब्स नाउ, 8 ऑर्ब्स का मतलब कि 2 स्टैमिना वेसल से एक बार में बढ़ जाएंगे, जिसके बाद आई थिंक हमको बस 2 और चाहिए होंगे। ओ यहाँ पे कोल्ड भी है, और ये मैं वोल्केनो के कपड़े क्यों पहना हुआ हूँ, तो कोल्ड के लिए तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया यू नो चीज़ें हैं पहनने को, और ये मैंने पहन भी ली है। आगे और भी कोल्ड बढ़ता है तो मेरे पास वो मेरी फ्लेम ब्लेड्स हैं, बड़ी भी और छोटी भी, सो विच विल डू द वर्क। ये आ रहा है हमारा डिवाइन बीस से सीधा, एक रे आ रही है यहाँ पे। इसी तरीके से 3 रेज और हमें मैनेज करनी है किसी तरीके से। हम लोग को आना है गाइज नीचे, तो आई डोंट थिंक आई कैन कवर दिस होल। लेफ़्ट में जाना है पहली बात तो हमको, नहीं लेफ़्ट में नहीं जाना है, राइट में जाना होगा ना, यस राइट में जाना है हमको, और माउंट ड्रेना के ऊपर हम लोग हैं। और वो रहा हमारा ड्रैगन, इसका नाम मैं फिर भूल गया हूँ, वो नाइड्रा था जिसको हम लोग ने पहले हराया था। ये दूसरा ड्रैगन है जो हम लोग को एक बार एल्डन टावर पर दिखा था, आपको याद हो तो, जब हम लोग अपने डिवाइन बीस्ट के पास जा रहे थे व रुदानिया के पास।
तब ये हम लोग को दिखा था, और इससे हमें लड़ना होगा आगे चल के। लड़ना तो क्या होगा, खैर एक आध तीर मारने होते हैं बस, इससे ज़्यादा कि हमारी जो है कि औकात नहीं है इसके आगे खड़े होने की। एक आध तीर ही बहुत है इसके लिए, हमारे लिए इसको कर पाने को, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसका। बहुत ही मैजेस्टिक बींग, और काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़ मुझको कि दिस समथिंग विच इज़ लाइक मच मच वे 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 पावरफुल देन यू, जिसको आपको उसको हराने का कभी मोटिव रखना ही नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, हर गेम करता नहीं है ऐसा, मतलब आप ग्रेजुअली इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो कि यू आर अ गॉड बेसिकली इन वीडियो गेम्स, स्पेशली जापनीज, स्पेशली जापनीज गेम्स में तो आप बिल्कुल ही जो है कि गॉड लेवल पे चले जाते हो आसानी से। सो आई लाइक कि इन्होंने कैसे जो है कि एक बाउंड्री रखी टू टेल यू दैट कि मतलब इस इनके हायरूल रीजन में, इसकी दुनिया में, इनसे भी ज़्यादा जो है कि दो सीड हैं सिर्फ हमारे पास। तो इनसे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या दिख रहा है हम लोग को। ये हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट टू द हिब्रा माउंटेन्स, हिब्रा माउंटेन्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, वो टावर भी एक दिख रहा है, आई थिंक वहीं जाना है क्या मुझको। और गाइज वो जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, दैट इज़ द डिवाइन बीस वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, इसके बाद हमें वही करना है। ये पीछे वो रहा हमारा वोल्केनो जो हम लोग कवर करके आए हैं, ये सेंटर पे है कैसल, और उधर और दूर पीछे पीछे बहुत कुछ है, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू गेट इनटू इज दिस टावर राइट इन फ्रंट ऑफ अस। मैं देख पा रहा हूँ बहुत दूर है। इतना दूर नहीं इमेजिन किया था मैंने, बट स्टिल यहाँ पे सेव करेंगे क्योंकि बिकॉज वी आर एट अ वेरी गुड एल्टीट्यूड, और यहाँ से जंप करके मैं अब काफ़ी काफ़ी दूर तक जा सकता हूँ। हाँ गाइस आ गया है एक स्टेबल अमेजिंगली, जो जिसका मुझे आइडिया नहीं था, स्नोफील स्टेबल है ये। और यहाँ पे बीटल से मिलने पहले तो जब भी आओ तो बीटल से मिल लो, हाजिरी लगा लो उसके पास, क्योंकि कुछ नहीं तो एरोस तो दे ही देगा जिसकी हमें सख्त सख्त ज़रूरत है। आई टेक एम ऑल मैन, आई टेक ऑल द एरोज यू हैव, पैसे हैं मेरे पास अभी पर एरो नहीं है। यस यस और चाहिए और चाहिए और एरोज मिल जाएंगे 45 दे के हमें। समर विंग बटरफ्लाई दिखने में इतनी अच्छी है कि आई विल बाय इट, ओके, सिर्फ क्योंकि वो दिखने में इतनी अच्छी, क्या क्यों बार बार बाहर क्यों आ जाता है। तो समर विंग बटरफ्लाई इट इज़, 10 रुपये में 3 मिल रही हैं, नॉट अ बैड डील। वॉर्म डार्नर आई थिंक कहीं पे आगे जाके काम आता है, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह कोई ख़रीदता है हमसे, ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। आई टेक एम ऑल, यस। और वॉर्म डार्नर ये रहा, और मैं टायरलेस फ्रॉग भी ले लूँगा क्योंकि क्योंकि स्टैमिना वाले इसमें वो होते हैं विच इज़ क्वाइट गुड। 200 लग रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी बहुत पैसा वापस आना है। और बहुत सारे स्टोन्स हैं हमारे पास जिसको मैं कभी भी सेल ऑफ कर सकता हूँ और पैसे बना सकता हूँ। एक श्राइन तो सामने ही दिख रही है हमको, और ये सब वेपन्स तो बेकार हैं फ़िलहाल। हम अंदर हो आते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर श्राइन वगैरह पकड़ते हैं। स्पाइसी पेपर्स मिल गए हम लोग, थोड़े से ये फ्लिंट एक रखा हुआ है उठा लिया है हमने। अंदर होके देखते हैं अंदर कोई टास्क हमको कोई दे रहा हो, कोई साइड क्वेस्ट शुरू हो रहा हो, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। ये रहा, हमें पता था कोई तो बात करेगा।
Junael, I've traveled to the east and the west in my great hunt for information, and now I find myself here in the freezing north. I heard there was a stall horse in this area, but I can't take it any longer. It's too cold to look anywhere. A stall horse? You just set off Junael's intuition sensors. You're interested in the stall horse too? Huh? I just wanted to see this creepy stall horse monster once with my own eyes. If it really does exist, it'd be such a big scoop. But, well, I can handle all kinds of dangers and hazards, but this cold brr, I cannot stand it. Can you handle this task for me? I'll even reward you. All I need is a picture or some notes. I can do it. Good answer. North Tabantha Snowfield pe milega wo hame. ओके सो स्टॉल हॉर्स पिक्चर्ड, हम लोग को एक स्टॉल हॉर्स ढूंढना है, उसकी पिक्चर लेनी है, एंड देन वी हैव टू कम शो इट, फिर हमको मिलेगा कुछ रिवॉर्ड. बिफोर वी डू दैट हम करेंगे पूरी इस श्राइन को. काफ़ी सारी श्राइन्स, काफ़ी सारे ऑब्स हो गए हमारे पास गाइस. मैं चाह रहा था कि जो है कि उन ऑब्स को कुछ गॉडेस ऑर्डर से मिल के निपटा लिया जाए, बट दूर दूर तक कोई जो है गॉडेस नहीं मिल रही है हमको. रिन ओया श्राइन, आई डोंट नो व्हाट इट हैज़, डेफिनेटली ए ब्लेसिंग श्राइन नहीं होगी. तो इस बार अब इसमें तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा. क्लाइंबिक टिप, देखते हैं क्या काम करने मिलता है. बट हाँ, क्योंकि टावर आसपास ही है, अब बहुत दूर नहीं है, सो आई थिंक कि वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. यहाँ से हम लोग को जो है सही जगह जा रहे हैं, मुझको लग रहा है ऐसा. ओके सो विंड से हमें इस, आई थिंक इस ऑर्ब को सही जगह पे ट्रांसफ़र करना है, सो दैट इट गोज़ इन द राइट प्लेस, द प्लेस वी वॉन्टेड टू गो, विच इज़ नॉट, जो अभी मैंने किया वो नहीं है. तो देखते हैं क्या करना है एग्जैक्टली. ओके तो यहाँ से आएगा ये, और जैसे ही वो ऊपर जाती है वो ऊपर चला जाएगा. ओके ऑल राइट, तो फर्स्ट व्हाट वी डू कि यहाँ से इसको अगर गिरा दें, यहाँ पे मैं हूँ अभी, है ना, अगर मैं इसको यहाँ से गिराता हूँ. अरे गिर ना भाई, ए गिर ना, ए ए अब तो बिल्कुल नहीं गिरेगा. वेट वेट, अब तो गिरेगा. ओके सो इट इज़ गोइंग, बिल्कुल ठीक जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, और ये वहाँ रुक गया. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि यहाँ पे मुझको इसको ठीक से लगाना पड़ेगा, सो दैट इट, पहले तो बॉल बाहर निकालो, जी हाँ, ताकि जब भी ये गिराऊं मैं इसको वहाँ पे तो ये पीछे ना चला जाए, उससे जो है थोड़ा सा वो करके और आगे ही बढ़े, पीछे ना जाए. आई थिंक दिस विल बी, दिस प्लेस विल बी फाइन. और इसी तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझको, समथिंग लाइक यहाँ से जाता है आगे. अब चलो लेट्स सी, आगे का देखते हैं, आगे का देखते हैं, पहले यहाँ तक तो बॉल को जाने दें. इसको रखा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर हम बॉल छोड़ते हैं तो इट विल डू द ट्रिक. ओके गो, ऑल राइट, वो पास हो गया, वो एरिया पास हो गया, एंड इट गॉट स्टक ओवर हियर. क्यों ये मुझे नहीं पता है क्यों क्या स्टक हुआ यहाँ पे. लेट्स सी, इसको यहाँ पे रखते हैं पहले एक बार, ट्राई करते हैं. ओके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. ओके ओके एंड ड्रॉप. अच्छा ये इसको दबा. ओके स्टिल इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप एंड इट्स, वो पहुंच गया जगह पे, पर मैं नहीं हूँ जगह पे तो वो तो ऊपर उठ गया पर मैं वहाँ नहीं हूँ. ओके फाइन, नो इशूज, वहाँ तो मैं चला ही जा सकता हूँ यार. ये आ गया मैं वहाँ पे, देखो जल्दी से आ जाऊँगा, एक मिनट लगेगा. कोई ट्रेजर चेस्ट नहीं, व्हाट द हेल, कोई ट्रेजर चेस्ट नहीं है क्या यहाँ पे यार, कहीं तो कुछ होना चाहिए. आई थिंक यहाँ पे कुछ होगा क्योंकि ये लैडर अगर दी हुई है, सो डेफिनेटली कुछ इसका काम तो होना ही चाहिए, कुछ तो काम होगा इसका. यार कहीं कुछ नहीं है भाई, एक ट्रेजर नहीं दिया इन्होंने, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, मतलब ऐसा ये लोग करते हैं नहीं जनरली. एक आध ट्रेजर ज़रूर रखते हैं सबके लिए, खैर यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं. हाँ व्हाट आई हैड टू डू इज़ कि इसमें से निकालनी है ये और बाहर, ये बाहर मैंने निकाल दी, और अब मैं इसको अपने साथ लेके चलूँगा वहाँ पे ऊपर. जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यस एग्जैक्टली. और यहाँ से अब नीचे गिरा देते हैं तो काम अपना
हो जाना चाहिए. लेट्स सी. ओके वन टो व्हाट. सब बात हो गई थी. इसके बाद अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे. नहीं यहाँ नहीं 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 इसको रख लेते हैं अलग से. और आई थिंक इसको ज़्यादा आगे कर दिया गया है. इसको थोड़ा सा जो है कि पीछे करना पड़ेगा हमें, सो दैट यही रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट ना करने लग जाए हमारा, है ना. इफ़ यू सी नाउ आई थिंक ये बिल्कुल सही जगह पे है. यस अब ये सही जगह पे है. अब ये सही लेके जाना चाहिए इसको शायद मेरे ख्याल से. लेट्स सी ऊपर जाके देखते हैं. एंड ओके गो. वन टू थ्री ओके फाइन दिस विल डू. हो गया टड़ा. यप आज मैं ऊपर. अच्छा वो रहा. ओ सो व्हाट करना ये था असल में कि एक उसको यहाँ लाके नहीं लेना यार. छोड़ो क्या ही होगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक क्या होगा. अब बहुत खोखट हो जाएगी, मतलब उसको वहाँ पे रखो, ये करो करो ऑल दैट. एनी वेज वी कैन स्किप फॉरवर्ड क्योंकि गोल है हमारा आज का टावर. उस टावर पे पहुँचना ज़रूरी है. हिब्रा माउंटेन रीजन को जो है एक्सेस करना ज़रूरी है, इस मैप को एक्सेस करना ज़रूरी है सो दैट वी कैन गेट टू द रीटो विलेज. यस रीटो विलेज है गाइस जहाँ पे हमें मिलेगा अपना अगला डिवाइन बीस्ट वा मेदो, जो मेरा आई थिंक उसकी जो पावर है वो मेरी फेवरेट है डेफिनेटली. ऑल दो हाँ डिवाइन बीस्ट शायद मेरा फेवरेट नहीं होगा बट डेफिनेटली आई एम रियली वेरी श्योर कि उसकी पावर जो है वो मेरी फेवरेट है. एनी वेज वे बैक ऑन द सेम ट्रैक. हमको जाना है अपने रीजन अपने जो है टावर के पास. आई थिंक वो यहाँ कहीं पड़ने वाला है. सो बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ मैं उसके हिसाब से. तो ये जाना है हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है सीधा. सो वी आर हियर गाइज. हिब्रा टावर पे हम लोग आ गए हैं. बर्फीला, काफ़ी बर्फीला टावर है ये. इसको कैसे मुझे पार करना नहीं समझ आ रहा. अच्छा ज़्यादा हाँ यार ये इसको एक्चुअली कैसे पार करना है, मतलब देर इज़ नो वे कि मैं इसको क्लाइम कर सकूँ किसी भी तरीके से. देर हैज़ टू बी अनदर वे. कहीं ऊँचाई से इस पर कूदा भी नहीं जा सकता है. और हाँ डेफिनेटली अगर मेरे पास वो एक पावर होती जो मुझको इस नेक्स्ट डिफाइन बीस से मिलेगी तो ज़रूर इसको जो है कि हम लोग वो पार कर सकते थे. बट आई डोंट थिंक कि इसको मैं क्लाइम कर सकता हूँ. इस जगह से शायद कुछ हो जाए. नहीं नो वे, क्योंकि इसको हम लोग गला सकते नहीं हैं. इसको हम लोग गला सकते नहीं हैं. फायरवुड जितनी लगा लें. और तो जस्ट लाइक दैट कि हम लोग आ गए हैं अब डेड एंड पे. इतनी मेहनत करके जो यहाँ तक आए थे वो हो गया है बेकार. ओके ऑल राइट. नो कुछ भी बेकार नहीं जाता गाइस. कोशिश और करने वालों की कभी हार नहीं होती. और एक अंधी चुक्की लग गई और हम लोग अब पहुँच गए हैं हिब्रा टावर पे जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन का टावर है. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट. आई थिंक इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट और मे बी द बिगेस्ट रीजन
इन द होल ऑफ हाइरूल। तो इसको अभी हम लोग एक्सप्लोर करने नहीं भागेंगे, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। हम लोग जाएंगे यहाँ से एक और टावर के पास। गाइस यस, जो हमारा अगला डिवाइन बीस्ट है वो इस टावर के रीजन में आता ही नहीं है। वो तो बात ये थी कि क्योंकि इट वॉज़ द क्लोजेस्ट, तो पहले मैंने इसको कवर कर लिया। डेफिनेटली इसको पार करके ही हम लोग आगे जा सकते थे। सो दैट्स व्हाट आई डिड। लेट्स सी नाउ, लेट्स सी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत ही बड़ा रीजन है। देख रहे हो आप, ये पूरा एक बहुत ही बड़ा सा रीजन हम लोग के सामने भी डिस्क्लोज हो गया है। बट द थिंग इज कि जो हमारा अगला डिवाइन बीस्ट है वो यहाँ कहीं है। सो वील हैव टू वर्क अ लिटिल मोर उसके पास तक पहुँचने के लिए। एंड आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम ऑन दिस एपिसोड। तो अभी इसको जो है कि हम लोग वही परस्यू करने वाले हैं। यहाँ से मैं दिख क्या क्या रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। इस देर अ टावर, अगर यहीं से टावर दिख रहा है सो आई कैन स्ट्रेट जंप टूवर्ड्स इट, क्योंकि अभी मुझको बीच का पूरा एरिया नहीं चाहिए। एक बड़ी सी अच्छी सी श्राइन है। ये श्राइन किस तरफ होगी? आई थिंक ये श्राइन, अच्छा यहाँ कहीं पे ये श्राइन है। आई थिंक ये हमारा कैसल इस जगह आएगा और वो श्राइन यहाँ कहीं है। अभी नहीं जाना है वहाँ पर बिल्कुल भी हमें। वॉट वी हैव टू डू राइट नाउ कि आई थिंक दिस इज़ द वे, दिस इज़ द प्लेस। ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे वो डिवाइन बीस्ट हमें मिलने वाला है। एंड दिस इज़ द टावर जो उस डिवाइन बीस्ट का है। नाउ द थिंग इज़ कि ये टावर काफ़ी आगे जाके है, काफ़ी दूर है। सो जो हम लोग को पास पड़ने वाला है, जो पहले हम लोग को पड़ने वाला है इस पूरे एरिया में, वो है ये डिवाइन बीस्ट की प्लेस। सो ये रहा ऊपर आ गया। सो वील गो देयर सिंपली फर्स्ट। नो पहले वहीं चलते हैं। और एक श्राइन भी नियर बाय दिख रही है तो वो भी हो जाएगी अगर नियर बाय एक्चुअली वो श्राइन है तो। लेट्स सी, थिंक अगर कोई श्राइन है यहाँ नियर बाय तो वो होगी इस जगह पे कहीं पे। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट सिंपली विजिबल खुद से आ जाएगी कि उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी है। लेट्स सी, वहाँ पे एक मार्कर जो है बना लेते हैं। मार्कर बनाया नहीं मैंने, सॉरी, मार्कर बना लेते हैं। Because it is always easier to get there than जाना है हम लोग को राइट में। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ दिख तो रहा है, फ्लैग शैग सा बना हुआ है। देयर इज़ अ ट्रेजर हेयर, देयर इज़ अ वुडन बॉक्स ट्रेजर हेयर, फॉरेस्ट ड्वेलर्स बो जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, बट बिकॉज उसमें से तीन एरोज निकलते हैं। ऑल दो इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, बट तीन एरो निकलते हैं गाइज उसमें से। सो दिस हैज़ टू गो, दिस वन हैज़ टू गो। तीन एरोज आर डेफिनेटली वे बेटर दैन वन एरो। तो होता क्या है कि हम लोग की तरफ से एक ही एरो इन्वेंटरी में कम हो रहा होता है, बट आई डोंट नो हाउ दिस बो मेक्स इट थ्री। तो तीन एरो निकलेंगे हमारी तरफ से। लेट्स सी ओवर हियर, या सो सेव कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट वांट द प्रोग्रेस टू गो डाउन हियर फ्रॉम हियर, अगर नहीं मिलता है या कुछ ऐसा होता है तो। तो उसको सेव कर लिया है हमने। नाउ वी कैन गो स्ट्रेट टू बजट। बड़ा सा गड्ढा है। यहाँ से वापस निकलने के लिए तो बस जो है कि हमें वहीं जाना पड़ेगा अपने टावर के ऊपर। और श्राइन यहाँ पे कहीं भी हो सकती है एक्चुअली। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। देखने में बहुत मज़ेदार है। अच्छा ये रहा कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ है, ये है। ओ हो, ये वो वाली श्राइन है। अच्छा ओके, आई विल टेल यू व्हाट कि इस श्राइन में क्या है कि ये श्राइन ओपन करने के लिए
हमें जो है एक स्नोबॉल पकड़नी है। स्नोबॉल कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्नोबॉल उठाएंगे हम लोग और स्नोबॉल को ऊपर से फेंकेंगे, और इसमें मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी ट्राई लग जाते हैं, मैं आपको बता दूँ सही सही तो मेहनत लग जाती है। स्नोबॉल को ऊपर से गिराएंगे और वो स्नोबॉल ही जो है नीचे आके इसको ओपन कर देगी। सो फर्स्ट वील गो अप, सीधा ऊपर जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी स्नोबॉल्स हैं। देखते हैं कि कितनी सारी स्नोबॉल्स मिलती हैं। आई थिंक इनफ स्नोबॉल्स मिलती हैं कि आप थोड़ी सी गलतियाँ कर भी सकते हो। सो यू विल हैव द लिबर्टी टू डू मिस्टेक्स। एंड अच्छा, अभी तो और ऊपर जाना है, वहाँ पे ऊपर जाना है। स्नोबॉल बहुत ऊपर से आती है यार। बहुत ऊपर से आएगी स्नोबॉल और सीधा इट विल रैम इनटू द डोर, क्योंकि बहुत छोटी सी होगी जब हम लोग उसको फेंक पाएंगे। बट देन ये है कि हाँ, अगर बड़ी हो जाएगी वो स्नोबॉल, ओनली देन इट विल बी एबल टू रैम ओपन द डोर। आई थिंक यहाँ पे होंगी स्नोबॉल्स, इस जगह पे एग्जैक्टली, यस। सो हियर दे आर, स्नोबॉल्स हैं यहाँ बहुत सारी। एक को तो मैंने शायद तबाह कर दिया। कुछ था नहीं, एक को तो तबाही कर दिया मैंने। खैर चलते हैं यहाँ से। और सो द होल थिंग इसकी सही लेन पकड़नी है। तो अगर देखें तो ये फर्स्ट लेन है और ये सेकंड लेन है। सो व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज़ टोल्ड मी कि आपको इस सेकंड लेन से जाना है। अच्छा, वो डूब गया, ओह ख़त्म हो गई स्नोबॉल। तो जैसे ही हम लोग स्नोबॉल को जो है कि उठा लेंगे, क्या अटैक है? अच्छा, मेरे पास ये है ना, शायद इसीलिए जो है कि वो जल्दी से ख़त्म हो रही है। सो फाइन, थोड़ी सी ठंड झेल लेंगे, लेकिन इसको जल्दी से हमको वहाँ ले जाना पहले ज़रूरी है। सो इसको हम छोड़ देंगे इस सेकेंड लेन में, एंड देन आई कैन वापस कैच होल्ड ऑफ माई फ्लेम ब्लेड। लेट्स सी, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं कहाँ तक जाता है ये। अगर कहीं गलत जाता है सो वी विल नो, हम लोग फिर उसको उस हिसाब से ऊपर वापस जाके सही जगह से फेंक सकते हैं। वी कैन डू ऑल दैट, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी बॉल्स दी हैं। दे नो कि एक बार में किसी का नहीं होने वाला। ऑल दो दिस ट्रिक जो है पहले भी काम की है, सो दिस विल वर्क नाउ। आपको बस सही लेन पता होनी चाहिए एक्चुअली इस पूरे पार्ट के लिए। तो इस श्राइन के बारे में आपको बता दूं कि इतना कुछ होने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो ब्लेसिंग श्राइन होगी, बस हो गई है तो बढ़िया, मिल गया इसमें तो रिवॉर्ड। बट इट इज़ नॉट सो। अभी अंदर जाके शायद मेरे ख्याल से घी हारा श्राइन, सो जाके मुझको जो है कुछ टास्क वास्क भी कम्प्लीट करने होंगे इसमें। आई थिंक ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझको, नॉट कम्प्लीटली श्योर दो। Battle tip: monsters have a harder time detecting you if you press to crouch and quietly approach them. Okay. Tandem.